हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लेके आए हैं अपनी मोहब्बत की प्यार की कहानी। यही बात है। तो पहले सबसे तो हम बता दें हमारी लव मैरिज हुई है और कितने साल हो गए शादी को? सात साल शादी को हो गए। माशाल्लाह 3 बच्चे हमारे हैं, चौथा भी बोलो चौथा भी आने वाला है इंशाल्लाह। तो हम अपनी मोहब्बत की दास्तां आप लोगों से शेयर करेंगे। बड़ा परेशान था सुबह से। परेशान था? मैंने क्यों परेशान होना, शुक्र है हमारे व्यूवर्स हैं, इतने हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। और आप लोगों की व्यास से हम पे परेशानी आ जाए तो किसकी ताब में लिखा है, क्या नहीं भी ठीक। हाँ। हम लोग बहुत खुश हैं, आप लोग बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट देते हो, उसके लिए थैंक यू। आप सबका थैंक यू दिल से। किससे? दिल से थैंक यू। तो चलते हैं हम अपनी लव स्टोरी की तरफ, क्या कहती है बेटी? चलो जितनी भी स्टोरी सुनाएगा ये सुनाएगा क्योंकि मैं सुनूंगी। असल में प्रॉब्लम हो गई है ना, अभी बिट्टी के जो मतलब के फैमिली मेंबर्स हैं वो भी वीडियो देखते हैं तो इसलिए बिट्टी थोड़ी सी शर्मा रही है। बात अपने बड़ों से शर्माना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हाँ जी, ये आँख पे कुछ लगा होगा पहले तो ठीक है। तो पहले तो आज हम गए थे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह करके खुदा खैर करे और 2 महीने भी गुजर जाएंगे, क्या कहती है? हाँ, आप बस दुआ करना, आप लोग सब इसके लिए दुआ करना। अभी इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आराम करती है वैसे तो काफ़ी, तो और आराम करे हमारी तरफ से तो आराम किया करो, बेड रेस्ट किया करो ठीक है। हम तो इसको ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करते। तो चलें जी, पहले सबसे हम बता दें हमारी ये लव मैरिज। हाँ, हुई गया तो बताओ ना, आप मैं बता दूँ या आप बता दो? तो लव मैरिज कैसे हुई है, मेरी एक दोस्त थी ठीक है, वो रहती थी फैसलाबाद, उसने मेरी बात करवाई इससे। मीठी असली है सैम आ गया, तो सैम को मीठा बहुत पसंद है, लॉलीपॉप लाया। हाँ जी, तो वो दोस्त थी मेरी, तो उसने मेरी बात करवाई सोनिया से ठीक है। तो उसने बोला कि आप ना मेरी एक मतलब दोस्त है उससे बात कर लो, तो उसने मेरी बात करवाई। तो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था वहाँ, क्योंकि तब चलते थे कौन से मोबाइल चलते थे बेटी? बटनों वाले। हंसने की इतना क्या ज़रूरत है, दोस्त बेचारे को हम इसकी जो दोस्त होगी तो वो भी वीडियो देखती होगी ठीक है। तो उसने मेरे साथ दोस्ती करा दी इसकी। तो हम लोगों ने पहले तो 3-4 महीने बात की ऐसे ही है ना, 3-4 महीने कम बताओ हाँ, मतलब 2-2.5 महीने हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम दोनों के एक दूसरे से शादी करनी चाहिए। आप हमेशा पूछते रहते हैं, आप स्टोरी बताते नहीं। तो हमने अपने पहले चैनल पे बताया था तो वो हमारा हैक हो गया, वो किसी ने देखी किसी ने नहीं देखी। हाँ। तो अभी जो हमारे नए व्यूअर है वो भी देख लें। तो हमेशा यही पूछते हैं कि लव मैरिज है, अभी लव मैरिज हो गया तो अरेंज मैरिज कर लो, है ना? अभी लोग ये कहते हैं ना। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो हाँ जी, तो हमारी बात हो गई तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग शादी कर लें आपस में, हम लोगों ने मिलके यही सोचा। हाँ यही सोचा तो देखो फिर बाकी काफी मुश्किलें आई बीच में, क्योंकि इनके मॉम डैड नहीं थे मानते और मेरी अम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी हर जिद पूरी करती है। हाँ, तो पालू ये होया। तो मैं प्यार से को पालू इसका बोलती थी इसके मैंने। तो मैं अपनी अम्मी का लाडला बेटा हूँ ना, बहुत लाडला। हाँ, है ना? हाँ, ये तो दुनिया जानती है ना। तो हुआ कुछ ऐसे था कि मतलब के ये रहती थी उधर कहाँ पे, फैसलाबाद ठीक है, और मैं रहता था कराची। तो हमने फिर 1-2 महीना बात की शादी डिसाइड करने के बाद भी ठीक है। तो उसके बाद मेरे बच्चे भी उसके बाद मेरे बच्चे आ गए, उसके बाद हमारे बेबी भी हुए। तो उसके बाद हम मैं गया वहाँ पे, गया फैसलाबाद ठीक है। तो इनके घर वालों ने मुझे मतलब के बहुत डंडे मारे बहुत मारा पीटा ठीक है। इससे मैं मिलने गया था तो बहुत मारा मुझे, मेरा खून वून निकल आया फिर भी, लेकिन हमने अपने प्यार की हार नहीं मानी ठीक है। अभी तक निशान पड़े हुए फेस पे है ना। हाँ, ये देखो अभी भी निशान है। दाने वाले ये दाने के निशान तक मारा था तो आके
तो मैं सच सच आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बिट्टी जो है ना थोड़ा वो कर रही है। तो इन्होंने मुझे बहुत मारा, तो लेकिन बिट्टी जो है ना, कुछ भी नहीं इसका बोला। तो बिट्टी जो है ना फिर क्या कहती है, झूठ नहीं बोला, इल्जाम ही लगा, पूरी दुनिया देख रही है, मेरा माँ बाप बहुत अच्छा है, उन्होंने इसको बहुत अच्छे है, मैंने कब बुरा किया, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी है। असल में हुआ कुछ यूं था कि मतलब कि उन्होंने मारा, फिर हम आ गए घर पे, मैं घर पे आ गया, तो फिर मैंने लव मैरिज, कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज इस तरीके से की, इससे सिर्फ एक पेपर पे मैंने साइन करवाया, ठीक है, निकाह के पेपर पे, और वो मैंने जमा करा दिए थाने में। तो मैंने एक पेपर पे साइन कराया, तो वो निकाह का पेपर था, तो मैंने भी उसको साइन वगैरह किए, उसकी पिक्चर वगैरह उस पर लगा दी। तो फिर बाद में उसकी फोटो कापी करा के ना, महीने डेढ़ बाद, बल्कि 3 महीनों बाद उसकी फोटो कापी करा के इनके घर वालों को भेजी, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला ये क्या, ये तो निकाह का पेपर है। तो फिर इससे बात बात उन्होंने की, इससे पूछा, प्यार से ही पूछा। नहीं क्या हुआ, अच्छा बता, इससे प्यार से ही पूछा कि आप ना क्या चाहते हो, ठीक है। तो इसने यही कहा कि हाँ जी मैं चाहती हूँ, मुझे ये लड़का पसंद है, तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो काफ़ी मुश्किल हुई, फिर उन लोगों ने वैसे ही हमें बुलाया, मेरी अम्मी को और मुझे बुलाया, ठीक है। क्या हो गया, मेरी अम्मी और मुझे बुलाया, और उन्होंने मतलब पादरी वादरी बुलाया, बस पादरी ने कहा तो हुआ हुआ था, बस ऐसे ही रुखसती हो गई। लेकिन हम लोगों की बड़ी चाहत थी कि हम लोगों की धूमधाम से शादी हो, लेकिन किस्मत का लिखा हुआ कोई टाल नहीं लेकिन सकता। फिर भी बहुत खुशियाँ देखी, फिर भी बहुत खुशियाँ, मतलब शादी के बाद तो खुशियाँ ही खुशियाँ देखी ना। देखो लाल जैसे बेटे, नीली जैसी बेटियाँ, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, बहुत खुशियाँ खुशियाँ देखी शादी के बाद से आज तक। वो दिन शादी का दिन और आज का दिन है, तो हमारी लाइफ हैप्पी है, हम लोग बहुत खुश हैं। और आप लोगों ने प्यार दिया, तो बहुत शोहरत भी दिया आप लोगों ने, और दौलत भी आप लोगों ने बहुत दी, ठीक है। आप लोगों के प्यार की वजह से दौलत भी माशाल्लाह बहुत मिली। तो ये हमारी छोटी सी एक लव स्टोरी थी, तो आपको कैसी लगी? और सबसे बड़ी बात, हमने बिना देखे एक दूसरे को पसंद किया था, ठीक है, क्योंकि तब ये बात सच है। और तब मोबाइल जो थे बटनों वाले होते थे, तो व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन मतलब बहुत हैवी लोग जो थे ना वो यूज करते थे, मतलब तो बहुत पैसे वाले, हमारे वाले गरीब लोग, हमारे जैसे गरीब लोग तो बटनों वाला 33-10 सिस्टम, वही वो हेड फ्री लगा के मोजी कार्ड लगा के गाने सुनते रहते। हाँ ये था, मतलब बटनों वाला मोबाइल था, टच मोबाइल नहीं था। बाकी यही हमारी छोटी सी एक लव स्टोरी थी आपके साथ शेयर की। आपको लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, क्यों बेटी? हाँ आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।